नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। संथाल परगना की राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो ऐसा लगता है विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक प्रयोगशाला बनाया है। हम प्रयोगशाला शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने पहले निवर्तमान सांसद सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया, लेकिन उनसे टिकट वापस लेते हुए सीता सोरेन को मैदान में उतारा। इसी नक्शे कदम पर कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट से पहले दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाया और कल जो नई सूची जारी हुई उसमें दीपिका पांडे सिंह के स्थान पर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को दंगल में उतारा है। हमारे साथ अभी प्रदीप यादव हैं। बधाई हो, पहले तो आपको टिकट मिला। आपको भी बधाई हो और शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो आदरणीय राहुल जी हो, आदरणीय खड़गे साहब हो, आदरणीय वेणुगोपाल हो, तमाम नेताओं को और राज्य स्तर के जो हमारे नेता है, आदरणीय आलमगीर साहब, हमारे प्रभारी मीर साहब, आदरणीय ठाकुर जी हमारे अध्यक्ष, तमाम लोगों के प्रति आभार। इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति आभार कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। क्या मुद्दे होंगे जैसे लेकर आप मैदान में? देखिए, मुद्दे अनेकों हैं, लेकिन कुछ चुनिंदे मुद्दे अगर आप सोचे तो पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय फलक पर जिन मुद्दों को लिया है, हमें लगता है कि वह मुद्दा आमजनों का ही मुद्दा है। बेरोजगारी सर चढ़ के घूम रहा है। आजादी के बाद जितनी आज बेरोजगारी है, किसी साल इतनी बेरोजगारी नहीं रही जो आज देखने को मिल रहा है, जिस कारण हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भारत सरकार के 30 लाख नौकरियों की खाली पड़े पद हैं, हम उसको सीधे भरेंगे और 1 लाख रुपए के मासिक देने का प्रयास करेंगे। यानी युवाओं को न्याय देने का प्रयास, युवाओं को बेरोजगारी से दूर करने का प्रयास, फिर महंगाई जो सरचढ़ के बोल रहा है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे हैं नारी को न्याय, नारी को मजबूत करना, समाज में हिस्सेदारी देना, उनके खाते में 1 लाख रुपया देना, ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे हैं कि भाई जो पिछली सरकार 10 वर्षों से रही, उस सरकार ने चंद 20 से 25 लोगों के केवल कर्जे माफ किए, लाखों करोड़ रुपये माफ किए। हम उन कर्जों की माफी नहीं चाहते। हम जो गरीब किसान है इनके कर्जे की माफी करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि समाज का जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक समाज है, भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी हम चाहे वो सेवा में हो चाहे अन्य चीजों में हो, आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की जरूरत हो, इसकी बात हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने कही है। ये राष्ट्रीय फलक के जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हमारे जनता के बीच होगा और जो हमारे मन में जो बातें हैं, जिसके लिए मैं इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जनता का विश्वास मुझे एक विधायक के रूप में मिला है और आप भी गवाह हैं, आप सब गवाह हैं कि भाई हम कोई बेईमानी हमने नहीं की, बड़ी ताल ठोक करके बड़ी ईमानदारी से जनता के मुद्दों को राज्य स्तर पर लड़ता रहा, समाधान की उसकी समस्याओं के लिए प्रयास करता रहा, अपनी सरकार से भी जूझता रहा, कभी जरूरत हुआ तो उससे हमने कभी कदम पीछे नहीं किया। उसके लिए कई बार मुझे यातनाएं भी सहनी पड़ी, दर्जनों केस हमारे ऊपर हुए, जिस कारण आज भी कोर्ट में चक्कर मुझे लगाने पड़ गए। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि भाई जो राज्य के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय फलक पर जिसका समाधान है, राष्ट्रीय स्तर पर समाधान है, 14 सांसद है, 14 सांसदों को कभी मुखर होकर के इसके लिए हमने बोलते नहीं देखा। अब राज्य की हिस्सेदारी को रोक करके भारत सरकार रखे और हम गूंगे होकर के बैठ जाए तो फिर हमें MP बनने का कोई औचित्य नहीं है, हम उनके पिट्टू बन के नहीं रह सकते। ये हमारे मुद्दे कि भाई राज्य को हमारी हिस्सेदारी मिले, और इतना ही नहीं, राज्य को हिस्सेदारी नहीं, जिस विषय को मैंने कहा कि कुछ समस्या है जो राष्ट्रीय स्तर पर समाधान है, लोकसभा में जैसे OBC के आरक्षण के मुद्दे, खतियानी हमारे कि भाई कौन होगा झारखंड का निवासी, वो खतियानी होगा, इन सारी समस्याओं का समाधान लोकसभा में है।
हम लोकसभा में अपने मुद्दों को दृढ़ता से उठाए, कई चीजें हैं, तो ये हमारे मुद्दे होंगे कि इन विषयों को जनता को कहेंगे कि आपने देखा होगा विगत 10-15 वर्षों से कि कोई लोग आपकी इन बातों को वहां दृढ़ता से कहता नहीं। हमें अगर आपने मौका दिया तो मैं ईमानदारी पूर्वक आपके मुद्दों को रखूंगा और लड़के इसकी समाधान करने का प्रयास करूंगा, ये हमारे मुद्दे होंगे। प्रदीप जी, आपके सामने चुनावी दंगल में जो प्रतिद्वंदी हैं वो 3 टर्म से सांसद हैं, निशान चुके हैं, और उनका कहना है कि अगर प्रदीप जी को टिकट मिलता है तो हम गोड्डा में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अब आपको टिकट मिल गया, निशिकांत जी के इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा आप सब से, बड़े लोगों की बड़ी बात, हम लोग के यहाँ कहावत है कि बड़े लोगों की बड़ी बात गप चले आ रहा, कहानी इतनी ही है। वो बड़े लोग हैं, वो खेलते हैं अरबों खरबों में, हम लाख में भी नहीं खेल पाते। अब उनकी बातों का उत्तर देना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं अपने बारे में आपको कह सकता हूँ कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से मुझे प्यार है, जमीन पर खड़े लोगों से मुझे प्यार है, मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत ने ही मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके प्यार ने ही पहुंचाया है। हम चुनाव हो, चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, उन्हीं की झोपड़ी, उन्हीं की छोटे घरों में मुझे रहना पसंद है, उनसे संवाद करना मुझे बेहद पसंद है। तो चुनाव में भी हम उनके घर घर जाएंगे, हमारे समर्थक घर घर जाएंगे, हम अपनी बातों को समझाएंगे। वो बड़े लोग हैं, वो ऊपर उड़ेंगे, हम जमीन पर चलेंगे, बात इतनी ही है। हो सकता है कभी काल ऊपर उड़ने वाले को भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो जमीन पर है अंत उसे आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे लगता है उनके रास्ते पर ना चल के हमारे रास्ते है। हम चुनाव के पहले भी जनता के साथ थे, चुनाव के बाद भी रहेंगे और चुनाव में भी जनता के साथ रहेंगे। अभी आपने कहा वो अरबों खरबों में खेलते हैं, हम लाखों में खेलते हैं, और अगर देखा जाए तो लाखों में खेलने वाले के यहाँ ईडी की दबिश, ये सारी बातें हमने पहले आप अपने वाक्य को थोड़ा सा, हमने कहा कि हम लाखों में खेल नहीं पाते, वो अरबों में खेलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हम सब गरीब गुरबा लोग हैं, और वो भी एक हिस्सा था कि भाई आपको प्रताड़ित करने का। भारत सरकार ने तो ये बीड़ा उठा लिया है मोदी जी के टीम ने कि जो लोग मेरे विरोध में आवाज बुलंद करोगे उनके आईडी जाएगी, उनके सीबीआई जाएगा, उनके आईटी जाएगा। तो एक हम भी छोटा सा अदरा सा सिपाही थे उनके विरोध में कदम ताल करने वाला, उनके विपरीत कदम ताल करने वाला, तो मेरे यहाँ भी दबिश हुआ जिसमें से ये बीच की मध्यस्थता करने वाले ईडी में आदरणीय हमारे दुबे जी महान। अंतिम सवाल, जिस तरह दीपिका के नाम की घोषणा होने के बाद गोड्डा से लेकर देवघर और दुमका तक कार्यकर्ताओं का एक विरोध देखने को मिला, तो क्या यह अंतरकलह समाप्त हो जाएगा या विरोध झेलना पड़ेगा आपको? हमें नहीं लगता कि कोई अंतरकलह है, सबके अपने अपने विचार है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, लोगों को अपने साथ रहने में भी, घर में भी रहता है लोग, तो बच्चे किसी के पास ज्यादा नजदीक पहुंचता है। आपके घर में भी अगर 4 लोग हो, एक कोई छोटा सा पालतू, अगर छोटा सा कोई चीज भी पालते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कोई पशु पक्षी भी हो, तो सबके साथ एक जैसा प्यार नहीं होता। हम आपको अपने घर का उदाहरण देते हैं कि मेरे यहाँ एक खरगोश है छोटा सा, हमारे पास वो नहीं आता, लेकिन हमारा बेटा छोटा जैसे ही आता उसके गोद पर चढ़ जाता। उसी तरह कार्यकर्ताओं का किसी के प्रति किसी का अधिक प्यार है, किसी का कम है, उसी में अभिव्यक्ति हमें लगता है कि सब चीजें धीरे धीरे स्मूथ। तो ये थे गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें रखी। लेकिन राजनीति का जो प्रयोगशाला शब्द का प्रयोग मैंने शुरुआत में ही किया था, यह प्रयोग संथाल परगना में कितना सफल हो पाता है इसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन इतना सत्य है कि गोड्डा लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।